Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 16, past tense. So let's start the chapter. Chapter number 16, past tense, simple past tense. Structure kya hota hai isme sentence ka? Jo affirmative sentences hote hain, usme I, we, you, they, he, she, it ke saath verb ki second form aati hai. जैसे आई के साथ हम लिखते हैं रोटा पोयम और शी के साथ कुक्ड फूड. तो यहाँ पर सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंसेस में आई वी यू दे ही शी इट एटसेट्रा इनके साथ आता है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे अगर हमने ही लिया तो ही के साथ आ जाएगा डिड नॉट प्ले गेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ डिड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी का सेंटेंस डिड यू गो टू लखनऊ और एंड में क्वेश्चन मार्क. तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? फॉर द एक्शंस कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, जो अभी अभी पास्ट में फिनिश हुए हैं. दे वेंट टू लंडन यस्टरडे, आई रोट अ लेटर. फॉर एक्सप्रेसिंग सम पास्ट हैबिट, कोई पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आई यूज टू गो फॉर वॉकिंग. To talk of facts or general statements in the past, जो भी facts या general statements हैं past की, उनको अगर हम बोलते हैं तो वो भी हम simple past tense पे बोलते हैं. Cell phones looked quite different 10 years ago. Now time to answer a question. Fill in the blanks with the simple past tense of the verbs given in the bracket. Bracket में जो verb forms हैं, उनकी simple past tense आपको fill करनी है blank में. First है Mr. Chopra dashes maths. तो टीच की पास्ट फॉर्म होगी टॉट, तो ये हो जाएगा मिस्टर चोपड़ा टॉट अस मैथ्स. सेकेंड आई डैश ऑल दिस ऑफ माय फ्री विल, तो डू का हो जाएगा डिड, आई डिड ऑल दिस ऑफ माय फ्री विल. नेक्स्ट द चाइल्ड वाज स्केयर्ड दैट शी हाइड, हाइड का एच आई डी हो जाती है पास्ट फॉर्म, हरसेल्फ बिहाइंड द सोफा. इसी तरीके से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर वर्ब कॉम्प्लीमेंट है. तो आई ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं. जैसे शी वॉज रीडिंग अ बुक, आई के साथ हम वॉज लगाते हैं ऐसे ही टेकिंग बाथ. यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब लगाते हैं और वर्ब में आई एन जी, दे वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट. फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस. वंश वॉज नॉट गोइंग टू हिज विलेज, द चिल्ड्रन वर नॉट पेइंग अटेंशन टू द टीचर. थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. Was the doctor feeling his pulse? तो यहाँ पर जो was है वो पहले आ जाएगा. Were they going on a holiday? Was your younger sister sending an SMS to me? So past continuous का use हम कहाँ करते हैं? Past continuous tense is often used together with the simple past. ज़्यादातर इसका use हम simple past के साथ में करते हैं. To suggest that one activity was going on when other took place. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि एक एक्टिविटी चल रही है और एक हो चुकी है. दीपा वॉज अटेंडिंग टू हर गेस्ट, दीपा गेस्ट अटेंड कर रही है. व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, मतलब मैंने उसे पहले देखा उसके बाद वो अपने गेस्ट अटेंड कर रही है. आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, वॉज शी डिलीवरिंग अ लेक्चर व्हेन द प्रिंसिपल वॉज ऑन हर राउंड. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस साथ में यूज होते हैं. यस शी वॉज, नो शी वॉज नॉट. तो उसके दो आंसर हो सकते हैं. अगर यस में बोले तो यस शी वॉज, नो बोले तो नो शी वॉज नॉट. नाउ बी एक्सरसाइज, कंप्लीट द पैसेज विद द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स. बॉक्स में जो वर्ब फॉर्म्स हैं इन्हें आपको सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो फर्स्ट है आई डैश एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पर तो मीट की जगह हो जाएगा मेट, आई मेट. I met an old friend of mine while we, जब हम क्या कर रहे थे, we were traveling.
We were. While we were traveling to Kashmir on a holiday, she के बाद आ जाएगा she dash me, तो ये आ जाएगा she noticed me. She noticed me while I was in the queue to get into the compartment. She dash up to me. She came up to me. कम का हो जाएगा came. She came up to me when I was standing in. I के साथ was आता है और verb में ing लग गया. While we were chatting, जब हम बातें कर रहे थे, while we were chatting, we realized that we were staying तब हमने रियलाइज किया कि हम लोग एक ही होटल में, मतलब सेम होटल में रुके हैं. एट द सेम होटल, एट द होटल शी इंट्रोड्यूस्ड, उसने अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस किया मुझसे. शी इंट्रोड्यूस्ड हर पेरेंट्स टू मी. शी सेड दे वर मूविंग टू कनाडा सून. शी invited me to visit her. Now next, past perfect tense. अब past perfect tense का structure देखते हैं. इसमें सभी subjects के साथ हम had और verb की third form use करते हैं. Subject चाहे कोई भी हो, I, we, you, they, he, she, it, etc. तो इसका हम use कहाँ करते हैं? Past perfect tense is used to express an action that was completed in the distant past. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो पास्ट में बहुत पहले खत्म हो गया. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं? माय ब्रदर हैड ऑलरेडी पेड द बिल. द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट फॉर द प्लेग्राउंड. नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड के साथ नॉट आ जाएगा. राधिका हैड नॉट अप्लाइड फॉर द पोस्ट. द ओल्ड मैन हैड नॉट गॉट हिज वेल प्रिपेयर्ड. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड से शुरू होगा. हैड द ग्रोसर opened his shop. If in the past two actions take place, अगर past में दो actions हुए हैं, the first completed action is put in the past perfect tense. तो जो पहले complete हुआ है, वो past perfect tense में लिखा जाता है, और जो दूसरा है, वो simple past या past indefinite में लिखा जाता है. जैसे the thieves had fled, जो चोर थे, वो चले गए. मतलब पहला action हमने लिखा past perfect में. Before the police came, तो पुलिस के आने से पहले चले गए, तो चोर पहले चले गए, इसलिए चोर को हमने लिखा past perfect में. Had fled, पुलिस बाद में आई, तो पुलिस के लिए हमने simple past use किया came. Her father had saved much money before he retired. Next, see exercise. Rewrite the following passage using simple past or past perfect tense. तो यहाँ पर आपको simple past या past perfect tense का यूज करके ब्रैकेट्स में जो भी वर्ड्स हैं उनको फिल करना है. लास्ट सैटरडे माई फ्रेंड मेड अ प्रोग्राम टू गो ऑन अ पिकनिक. वी वर, वी की फॉर्म होती है पास्ट में लिखना है, तो वी वर आ गया. वी के साथ प्लूरल. वी वर 10 बॉयज. शिवम हैड, ये उसने पहले ही कर लिया. शिवम हैड already collected money for this purpose. He dash everything. He had arranged everything. Next morning we collected at a particular place. The bus driver belonged to our neighborhood. He was to reach the place on time. The bus came and we boarded it. We boarded it. Some boys had already arranged a drum.
बॉयज स्टार्टेड सिंगिंग. इसी तरीके से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट के साथ हैड बीन लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस भी है तो कंटिन्यूअस का आई एन जी लगेगा और परफेक्ट भी है तो परफेक्ट का हैड बीन लगेगा. आई हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 20 ईयर्स बिफोर योर ट्रांसफर. तो अब हम इसका यूज देखते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट अ गिवन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट. ये हम उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं जो पास्ट में ही किसी टाइम पर शुरू हुए हैं और पास्ट में ही किसी दूसरे टाइम पर खत्म हुए हैं. हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग जॉब इन अ बैंक बिफोर शी माइग्रेटेड टू द स्टेट. The company had been earning huge profits when the manager was all in all. Used to. This expression is used when we refer to some habitual action in the past. जब हम किसी habitual action को refer करते हैं past के, तब हम used to का use करते हैं. As a child, I used to play football. Indians used to believe in magic in the past. Now, D exercise. Rewrite the following sentences using past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense का use करके sentences को आपको दोबारा से लिखना है. The company was making an overbridge since 2007. तो कैसे लिखेंगे आप? The company had been making an overbridge since 2007. Next sentence, the newspaper was publishing the news since last Monday. So, iska answer ho jayega, the newspaper had been publishing the news since last Monday. इसी तरह से बाकी के जो sentences हैं वो आप खुद change करके लिखेंगे. तो students, हमारा chapter number 16 finish हो गया है. Hopefully आपको past tense अच्छे से समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.